लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कड़े और ये हीरों का हार कैसे लगे महाराज? अच्छे। आओ अंदर चलते हैं। लेकिन याद रखना, बिल्कुल हर्ष बने रहना। चलो। नहीं भैया, आप जाइए। क्यों? मुझे घबराहट हो रही है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी भैया। इतनी ट्रेनिंग दी फिर भी। भैया गधा तो गधा ही रहता, घोड़ा थोड़ी हो सकता है। नहीं चुप, इडियट, बेवकूफ। और ये देखिए करण जी। महाराज दिखा दिखा। शरारती कहीं का, कैसे चुपचाप आकर मेरे पास खड़ा हो गया है? क्यों हंस रहे रे? भैया की शादी के जेवर देखकर। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे माँ, आप लोग को भी अच्छे लगे? अबे बेवकूफ, अच्छे लगे तभी तो देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर क्यों भला बुरा कह रहे हैं मेरे बेटे को? माँ पिताजी आज कितने खुश लग रहे हैं ना। आज हम वाकई बहुत खुश हैं, हमारे शेर बेटे हर्षवर्धन का विवाह होने वाला है और ब्याह के बाद हम उसे इस रियासत का राजा बना देंगे। माँ पिताजी, पिताजी हम इस खुशी के मौके पर आपसे कुछ मांग सकते हैं? क्या चाहिए तुझे? बोल मेरे प्यारे गधे बोल, आज हम इनकार नहीं करेंगे, हमारा वादा है। सुना है, सुना है कि हिंदुस्तान में एक जगह बॉम्बे, कहते हैं कि वहां अगर गधा भी जाए तो इंसान बनकर आता है। मैं वहां जाऊंगा माँ, बम्बई 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 जाऊंगा माँ, बम्बई। अबे गधे, नाम भी लिया तो बम्बई का, नाम लेता है अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, मगर नहीं बम्बई बम्बई। आज पहली बार मेरे बेटे ने अकलमंदी की बात की है और आप हंस रहे। कौन जाने बम्बई जाकर सचमुच मेरा बेटा बुद्धिमान और सयाना बनकर लौटे। क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। करण सिंह जी ठीक कहते हैं बिल्कुल। देखिए पिताजी, महाराज आपने वादा किया है, अगर राजा वादे से मुकर गया तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उड़ जाएगा। क्यों महाराज, अब तो हमें आज्ञा है ना बम्बई जाने की? ठीक है, तुम बम्बई जा सकते हो। ज्यादा उछलो मत, तुम बॉम्बे जाओगे जी, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, ठाकुर करण सिंह जी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी, 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 मैं बम्बई और वो भी इसके साथ। करण सिंह जी आप इसके साथ जाएंगे तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं होगी, ये तो भोला है, आपका साथ मिलेगा तो कुछ इंसान बन सकेगा। महारानी साहब हो सकता है ये इंसान बन जाए, मगर मेरी इंसानियत का क्या होगा? वो तो हमने वादा किया है। हाँ आप एक काम करेंगे, हर्षवर्धन के विवाह के बाद आप इसे अपने साथ बम्बई ले जाएंगे।
मुबारक। हर्षवर्धन बनना भी बहुत मुश्किल है, पूरा बदन अकड़ गया। ठहरो, ये क्या कर रहे हैं? जयश्री का विवाह हर्षवर्धन से हुआ है, गोवर्धन से नहीं। किस अधिकार से घूंघट उठाने जा रहे हैं बेटा? घूंघट तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। सोचा था हर्षवर्धन बन के जयश्री के करीब रहूंगा, उसे प्यार करूंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सब उल्टा हो गया जी। मेरा मतलब है गला सूख रहा था इसलिए पानी पानी पीने चला। हाँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या जी? हंस गया हूँ जी? मेरा मतलब है थक गया हूँ, मेरा सर पकड़ा जा रहा है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। जी नहीं, अभी नहीं भैया से बात करनी पड़ेगी, कहाँ फंस गया। अच्छा आप जो कहेंगे मैं करूँगी जी। मैं आपकी पत्नी हूँ ना जी। हाँ तो फिर इतनी दूरियाँ क्यों? दूरियाँ कहाँ है, अब तो आप हमारे हैं ना, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? पीछे कौन हट रहा है? समेट लो मुझे अपनी बाहों में। समेट? क्या मैं आपकी पसंद नहीं? पसंद? कमर, झटका। धीरे धीरे उठिए, संभल के। भैया आजादी, तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तुम चलो मैं सामान लेकर आता हूं जी। अबे हीरो, बाप का मैदान समझ के उछल रहा है क्या? चला बराबर टाइम पे ब्रेक नहीं मारता ना तो बिना टिकट ऊपर चला जाता। न जाने कहां से चले आते बंबई में भर्ती के औलाद साले। अबे मैं तेरे को गाली दे रहा है, तू बत्ती से फाड़ के हंस कह रहा है? देना भाई और गाली दे, और गाली दे। आज जिंदगी में पहली बार इन कानों के पर्दों से गालियां टकराई है। बहुत मजा आया ये सुनने के लिए, तो मेरे कान बचपन से तरस रहे हैं। देना रुक मत, और गाली दे दे, बहुत मजा आ रहा है। मजा? यार बम्बई में पहला आदमी देखा जो गाली सुन के मजे ले रहा है। क्या अरे उल्टे खोपड़ी का आदमी है क्या तू? और ये कपड़े क्या किसी पागल खाने से मार के लाए? जाने बाबा जाने देने, सुबह सुबह काय को धंधे का टाइम खराब कर रहे थे। गोवर्धन क्या हुआ? एक और आ गया। क्या हुआ क्या? आंख बंद करके रस्ते में चलेगा साला मरेगा तो? तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। क्या रे तू फिल्म कंपनी का कपड़ा पहन के इधर दोस्त जमा रहे है क्या साला? हेलकट का अरे नहीं करण जी, करण जी गलत इनकी नहीं मेरी है, मैं इनके गाड़ी के सामने आया था। अरे मगर ये उल्लू का पट्टा में गालियां कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? मुंह से दे रहा है। अबे सुबह सुबह धंधे का टाइम खोपड़ी खराब कर दिया पनौती कहीं का। अरे मैं इसकी खाल भरूंगा। नहीं करण जी, नहीं नहीं करण जी शांति। अच्छा भी सको सामान टैक्सी में रखे। सामान टैक्सी में रखिएगा। कौन सा सामान? अंधा हो गया, सामने रखा हुआ है। क्या सुबह सुबह क्या, किधर है सामान? अरे ये क्या सामान? क्या हुआ क्या हुआ क्या? अरे इन तीन ट्रॉलियों में 10 सूटकेस भरवा के लाया था। 10 सूटकेस? ये बाप ये बम्बे है समझा ना, इधर मोजे के अंदर छुपाया लनोट पब्लिक चुरा के ले जाता है, तुमने तो खुलेआम सड़क पे सामान रखा था। 10 सूटकेस कोई मिला ना क्या सुबह से तेरे को? देख लिया गोवर्धन, ये है तुम्हारी बम्बई। अभी पहुंचे आधा घंटा नहीं हुआ,
और बंबई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे करण जी भूल जाए उस सामान को। क्या मतलब? वो 10 सूट केस जाने दो। करण जी बंबई में हम लोग बंबई वाले बन के रहेंगे, वैसे भी इन कपड़ों में लोग हमें देखकर हंसते हैं, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। हाँ गोवर्धन तुम तो हो पागल, किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। अरे तुम्हें पता है उन सूट केसों में कितना पैसा था? मालूम है मालूम है, मगर इस बैग में जितने पैसे हमारे लिए काफी है। चलिए ना करण जी।